आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। अगर है भी तो मोबाइल नंबर क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। अगर आप अपना मोबाइल नंबर भूल गए हैं तो आपको कैसे पता करना है कि कौन सा मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो सबसे पहले आपको UIDAI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाना है। उस पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज हैं। इस लैंग्वेज का आप सिलेक्शन कर लेंगे। तो फिलहाल मैं इंग्लिश का सिलेक्शन करता हूँ यहाँ पे। तो आपके सामने पोर्टल का जो वेबसाइट है इस तरह से आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये 3 लाइन है जो मेन्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर माई आधार, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके आप देख सकते हैं आपको कई सारे ऑप्शन आएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट योर आधार, इस पर क्लिक कर देना। अब देख सकते हैं जैसे ही हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया है, आधार कार्ड में डिटेल को अपडेट करने के लिए कई सारे ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि आप बायोमेट्रिक करना चाहते हैं या कोई आधार कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन करना चाहते हैं, इस वेबसाइट की मदद से वो भी आप कर सकते हैं। नीचे की तरफ आ जाएंगे, अपडेट एड्रेस इन योर आधार, तो हमें क्या करना है, इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि वेलकम टू माई आधार का जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगा, जहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। आपको नंबर तो नहीं मालूम है तो आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। नीचे की तरफ आ जाना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो भी वेरीफाई करना है आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई ईमेल और मोबाइल, तो इसी पे सिलेक्शन कर लेना है। इस ऑप्शन के थ्रू आप जान सकते हैं कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है और कौन सी ईमेल आईडी भी लिंक है। अब यहाँ से आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वेरीफाई मोबाइल नंबर, वेरीफाई ईमेल एड्रेस, अब दोनों ही चेक कर सकते हैं, मोबाइल नंबर को भी और ईमेल एड्रेस को भी। हमें यहाँ पे क्या करना है, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। यहाँ पे सिलेक्शन करना है, टिक लगाना है वेरीफाई मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर आधार नंबर, इंटर मोबाइल नंबर। आप यहाँ पे आधार नंबर को टाइप कर देंगे। आधार नंबर को टाइप करने के बाद आप कोई सा भी नंबर को यहाँ पे घर में किसी भी फैमिली मेम्बर का मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करके आप चेक कर लेंगे कि आपका मोबाइल नंबर, आपका ये मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। आधार नंबर टाइप कर लेंगे, मोबाइल नंबर टाइप कर लेंगे, नीचे कैप्चा को टाइप कर लेंगे और सिंपली यहाँ पे सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं द मोबाइल नंबर यू हैव एंटर्ड डज नॉट मैच। अगर आप सही मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे तो ग्रीन कलर का मैसेज आएगा। अगर आपको मोबाइल नंबर नहीं पता है तो इस तरह से मैसेज आएगा। तो चलिए मैं आपको सही नंबर को टाइप करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से ग्रीन मैसेज आता है। अब देख सकते हैं द मोबाइल नंबर यू हैव एंटर्ड इज ऑलरेडी वेरीफाइड विथ आवर रिकॉर्ड। इस तरह से अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक रहेगा आधार कार्ड से तो इस तरह से मैसेज आएगा। अगर आपको मोबाइल नंबर नहीं पता है या आप भूल गए हैं तो उसको किस तरह से पता करना है वो देखिए। आप यहाँ से कर देना बैक, फर्स्ट वाले प्रीवियस वाले पेज पे चले जाना। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर जस्ट उसी के नीचे है वेरीफाई आधार, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या करना, जो आपका आधार नंबर है आधार नंबर को फिल कर देना है और उसके बाद जो कैप्चा है कैप्चा को फिल कर देना है। आधार नंबर को फिल करने के बाद उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार, यहाँ पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो आधार का जो भी डिटेल है आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा और आपका जो लास्ट का जो 3 डिजिट मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है वो भी आपको शो हो रहा होगा। इससे आप मालूम कर सकते हैं कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है। इस वेबसाइट के थ्रू आप अपने आधार कार्ड का सारा डिटेल ऑनलाइन घर बैठे आप पता कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।